नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर एक बार आपका पार्थ एजुकेशन परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेट की तैयारी और नेट के प्रिपरेशन में आपको पता होगा कि इस कोरोना काल में आपको कुछ समय मिल गया है। आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के बाद आप सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी विषय से यदि नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, उर्दू हो, या होम साइंस हो, इतिहास हो, भूगोल हो, या कोई भी विषय हो, आप किसी भी विषय से अगर नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं दोस्तों, तो नेट की जो परीक्षा है उस परीक्षा में आपको एक कॉमन पेपर देना पड़ता है, यूजीसी का कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर। जी हाँ, यूजीसी के जो कॉमन पेपर फर्स्ट पेपर की बात हम जब करते हैं दोस्तों, तो उस कॉमन पेपर या फर्स्ट पेपर में आपको 10 के 10 यूनिट पढ़ने पड़ते हैं और उन 10 के 10 यूनिट में यूजीसी ने पिछले 2 साल पहले बदलाव कर दिया है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से किताबें पढ़ रहे थे, तो वो किताबें वो चीजें आपके लिए एकदम से बेकार हो चुकी हैं। क्यों बेकार हो चुकी हैं? क्योंकि अब आपको नई चीजें नए तरीके से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। आपको हमारे यहां पार्थ एजुकेशन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग परिवार में यूजीसी फर्स्ट पेपर की पूरी तैयारी कैसे करनी है और बचे हुए समय में, जी हाँ बचे हुए समय में कैसे आप जेआरएफ हो सकते हैं। दोस्तों, मैं जेआरएफ की बात करता हूँ। कुछ मित्र आप में से ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से नेट रुक गए होंगे या 1-2 नंबर से जेआरएफ रुक गए होंगे। अगर आप जेआरएफ नहीं होंगे तो अगली बार फिर से फार्म डालेंगे, फिर से अगली बार फार्म डालेंगे। अब बार बार जेआरएफ होने के लिए फार्म डालेंगे नेट होने के बावजूद। तो हम बात करते हैं जेआरएफ की। जब आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो जेआरएफ की तैयारी में मैं आपको बता दूं, जेआरएफ की तैयारी में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सबसे पहला टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। जी हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहला आपका टॉपिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं। जी हाँ, शिक्षण अभिक्षमता की प्रक्रिया होती है। जब कभी भी आप नेट हो जाएंगे, जब कभी भी आप जेआरएफ हो जाएंगे, तो नेट या जेआरएफ होने के बाद आपको शिक्षण कार्य करना है। इसीलिए यूजीसी ने यह टॉपिक आपके यहां रख रखा है। इस शिक्षण अभिक्षमता की प्रक्रिया में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि शिक्षण क्या है। जी हाँ, शिक्षण क्यों किया जाता है, शिक्षण की आवश्यकता क्या है, उद्देश्य क्या है। और आजकल यूजीसी ने जो नए टर्मोलॉजी यूज की है, नए चेंजिंग लाई है, उसमें पहले क्या था, पहले शिक्षण की प्रक्रिया में केवल पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया होती थी। जी हाँ, पहले जो शिक्षण की प्रक्रिया होती थी केवल पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब जो शिक्षण की प्रक्रिया है, अब शिक्षण की प्रक्रिया में किसी भी बच्चे का आपको सर्वांगीण विकास करना है। जी हाँ, किसी भी बच्चे का आपको सर्वांगीण विकास करना है। तो सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में आपने देखा होगा फिजिकल डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन, मेंटल के, सोशल के, इमोशनल के, हर पार्ट से। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल, आप देख लीजिएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। जी हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। इसके बाद टीचिंग के बाद जब हम दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। जी हाँ, रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड शिक्षण अनुसंधान अभिक्षमता होती है। आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के, आप मैनेजमेंट के, आप इकोनॉमिक्स के, आप सोशियोलॉजी के, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट पेपर के साथ साथ ये टॉपिक आपका सेकेंड पेपर में भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेगा। जी हाँ, 15 से 20 क्वेश्चन कवर करेगा। अब इस 15 से 20 क्वेश्चनों के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है रिसर्च क्या है, रिसर्च के स्टेप क्या है। रिसर्च के स्टेप्स को हम ट्रिक्स में पढ़ते हैं, तो ट्रिक्स में पढ़ेंगे तो PHDCAG, इन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे। इन प्रक्रियाओं से जब आप गुजरते हैं तो इसमें पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है आपका सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। जी हाँ, पहला स्टेप होता है सेलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथीसिस के बाद तीसरा स्टेप होता है डिजाइन ऑफ रिसर्च। जी हाँ, तीसरा स्टेप होता है आपका क्या, डिजाइन ऑफ रिसर्च। चौथा स्टेप होता है क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा।
कलेक्शन ऑफ डेटा, पांचवा स्टेप होता है क्या, एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, और छठवा स्टेप होता है क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। दोस्तों इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं रिसर्च में, इसके बाद सैंपलिंग के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, न्यायदर्श के प्रश्न, और इसके बाद एक क्वेश्चन रिसर्च में बहुत पूछा जाता है जो टूल्स को लेकर है, उपकरणों को लेकर है। रिसर्च में आपने देखा होगा प्राकल्पना के प्रश्नों पर जरूर चर्चा होती है, हाइपोथीसिस के प्रश्नों पर। इन सब के बाद, इन सब के बाद आपने देखा होगा आजकल रिसर्च में, रिसर्च में एनपीसी को लेकर, जी हां आजकल रिसर्च में एनपीसी को लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या 0.01 और 0.05 सिग्निफिकेंस लेकर, ये फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपका निर्धारित होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन रिसर्च में जरूर पूछा जाता है रिसर्च के टाइप्स को लेकर, जी हाँ रिसर्च के टाइप्स को लेकर। इसको हम बोलते हैं सबसे पहले रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च होता है, फंडामेंटल रिसर्च के बाद अप्लाइड रिसर्च होता है। अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, ये आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा लेकिन अगर आप इंग्लिश वर्जन से पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा। एक होता है यहां पर मेथडोलॉजिकल रिसर्च होता है, उसके बाद अप्लाइड रिसर्च में एक होता है आपका टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होता है, एक आपका एक्शन रिसर्च होता है, ये सारे के सारे रिसर्च होते हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जी हाँ इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के जो प्रोसेस होते हैं उसमें ढेर सारे होते हैं, जैसे एरिया स्टडी रिसर्च, एरिया स्टडी रिसर्च, फिर फील्ड स्टडी रिसर्च, जी हाँ फील्ड स्टडी, फिर केस स्टडी रिसर्च, जी हाँ, और एक रिसर्च तो आजकल यूजीसी में बहुत पूछा जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसे हम कार्योत्तर या घटनोत्तर शोध कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हिस्टोरिकल रिसर्च की बारी आती है, हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद फिलोसफिकल रिसर्च की बारी आती है, ठीक है, इसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बारी आती है, इस तरह से करके। इसके बाद दोस्तों नए भी कुछ रिसर्च आए हैं, जैसे एथनोमेथडोग्राफिकल, एथनोमेथडोग्राफिकल नृजातिक शोध की बात होती है, फेनोमेनोलॉजिकल ठीक प्रघटना शास्त्रीय शोध की बात होती है। इसके बाद दोस्तों आप जब आगे बढ़ते हैं तो एक रिसर्च आपको मिलता है ट्रेंड एनालिसिस रिसर्च, जी हाँ आपको एक रिसर्च मिलता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जी हाँ क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, एक रिसर्च आपको मिलता है लॉन्गिट्यूनल। दोस्तों मैं जब पढ़ाता हूं क्लास में, या हमारी पूरी की पूरी टीम आपको मिलकर पढ़ाती है, हमारे यहां 3 से 4-5 शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं यूजीसी फर्स्ट पेपर, होता क्या है मैथ के टीचर मैथ का पार्ट पढ़ाते हैं, रीजनिंग के टीचर रीजनिंग का पार्ट पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट के टीचर एनवायरनमेंट का पार्ट पढ़ाते हैं, और मैं क्योंकि एजुकेशन से रिसर्च कर रहा हूं, एजुकेशन से जैरफ हूं, तो टीचिंग रिसर्च कम्युनिकेशन हायर एजुकेशन ये जो पार्ट होते हैं ये प्रॉपर एजुकेशन के पार्ट होते हैं, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इलाहाबाद में यही चीजें ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपकी बिल्कुल सहायता कर सकता हूं आपको यूजीसी फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन सही करने में, मतलब 70 क्वेश्चन नंबर्स अर्जित करने में। ये रिसर्च का पार्ट हो गया, रिसर्च के पार्ट दोस्तों, रिसर्च के बाद जब हम बात करते हैं तो रिसर्च के बाद एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, जी हां एक होता है हमारा क्या कॉम्प्रिहेंशन, जो अपठित गद्यांश है, यह हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश है। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें आते हैं कम से कम 4 से 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन 4 से 5 प्रश्नों में हमारे मैक्सिमम छात्रों के सही होते हैं 2 से 3 प्रश्न। उसका रीजन है उनको इसकी जानकारी नहीं होती, ठीक है, उनको इसके तरीके नहीं पता होते, हमें इसको आपको बिल्कुल सही कराना है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका, अगला टॉपिक जो है आपका वो है कम्युनिकेशन, जी हां कम्युनिकेशन जो है
वो आपका संचार की प्रक्रिया होती है। देखिए सामान्य रूपों में दो लोगों की बोलचाल की भाषा को हम संचार कहते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां जो चीज जिस रूप में जिस अर्थ में मैं आपको बताना पढ़ाना समझाना सिखाना चाहता हूं, वो चीज उसी रूप में उसी अर्थ में आपको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में यूजीसी में आजकल एक नया टॉपिक जो जुड़ा है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट जुड़ा हुआ है, क्या? कक्षा संचार। जी हाँ, उसके बाद संचार की बाधाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक। इसके बाद कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के स्टेप्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन में होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स या प्रकार होते हैं। उसके बाद दोस्तों इस सब के अलावा कम्युनिकेशन के प्रोसेस में छोटे छोटे ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहां हर टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सिखाई जाती है। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनका यूज हम कैसे क्वेश्चंस में करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के पार्ट में मैं आपको बताता हूं एज अ टीचर, क्योंकि कम्युनिकेशन रट्टा मारने वाली विद्या नहीं होती। कम्युनिकेशन एक ऐसी विद्या है जिसमें अपनी बातें समझाई जाती है, बताई जाती है, सिखाई जाती है। कम्युनिकेशन के बाद जी हाँ दोस्तों एक टॉपिक है लॉजिक। जी हाँ, आपको मैं गारंटी लेता हूं 100% इस चैप्टर के क्वेश्चन करके आने के। अगर 6 क्वेश्चन है दोस्तों तो मैं 5 नहीं बोलूंगा, मैं 6 बोलूंगा। इसमें सबसे पहले ए ई आई ओ चार तर्क वाक्य होते हैं, इन तर्क वाक्यों का संपर्क होता है एक दूसरे से, इन तर्क वाक्यों का संबंध होता है एक दूसरे से, वो प्रक्रियाएं होती है। इन तर्क वाक्यों में हम इसके आधार पर प्रश्न करते हैं। इसके बाद ये तर्क वाक्य का 1 2 4 1 2 4 ए ई आई ओ टी 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 एफ 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 टी एफ टी डी 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 डी, एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद दोस्तों वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, ये जरूर इस समय नए सिलेबस में है। और हेत्वाभास, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आप 100% अचीव करके आएंगे दोस्तों, 100% अचीव करके आएंगे। इसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक की जब हम चर्चा करते हैं तो अगला टॉपिक है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन। मैथ से घबराना हमारे यहां बीमारी है, और बीमारी को दूर करना ही डॉक्टर का काम है, और इसीलिए 100% सफलता हमारे यहां मैथ के टीचरों द्वारा, रविंद्र सर द्वारा, जी हां रविंद्र सर द्वारा, और आपको हमारे यहां इंजीनियर प्रदीप सर द्वारा मैथ्स की क्लासेस पढ़ाई जाएंगी, जिससे 100% मैथ के डीआई के आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है समय, जी हां समय नहीं लगना चाहिए, इसलिए ट्रिकी मैथ पर ध्यान देना है आपको। जी हां, इसके बाद अगला टॉपिक जो है दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका रीजनिंग का। जी हां रीजनिंग का, और जो रीजनिंग का भी टॉपिक है वो अब यूजीसी में इतना आसान नहीं है। जी हाँ, यूजीसी में इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे यहां रीजनिंग में 2 से 3 प्रश्न तो सबके सही हो जाते हैं, लेकिन 2-3 गलत हो जाते हैं। दोस्तों आजकल रीजनिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बन गई है मैथमेटिकल रीजनिंग। जी हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारे यहां आपको रवि सर और प्रदीप सोनी सर पढ़ाएंगे, जिससे आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी दोस्तों, 100% निश्चित हो जाएगी। इसके बाद यूजीसी फर्स्ट पेपर का अगला टॉपिक जो है आईसीटी है, अगला टॉपिक है एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट जो आपको पढ़ाएंगे इलाहाबाद के जाने माने धुरंधर गौरव निरंजन सर आपको एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं। एनवायरनमेंट के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, 100% सफल हो जाएगा। और देन आपका अगला टॉपिक है हायर एजुकेशन, क्योंकि मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। जी हाँ एजुकेशन है, और मैं एजुकेशन से ही जेआरएफ हूं। और उसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसमें जो आईसीटी होता है आप देख लेना, हमारे यहां एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती है उसका एक पार्ट होता है। हायर एजुकेशन जो है हमारे यहां टीचर्स एजुकेशन का एक पार्ट है। तो इस तरह से हम पूरे के पूरे स्ट्रेटजी के बेहतरीन तत्वों के माध्यम से आपको पढ़ाते हैं। और केवल पढ़ाते ही नहीं दोस्त, सबसे पहली चीज हमने आपको पढ़ाया,
जी हाँ, हमने आपको पढ़ाया क्लास में पर डे आपको लाइव वीडियो लाइव क्लास के माध्यम से, ना कि रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लास से मैंने आपको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद इसके अंदर की जो वैल्यू होती है, दूसरी चीजें, हमने आपको पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स दी। जी हाँ, पूरी की पूरी नोट्स दी। आपको मेहनत नहीं करना है, आपको घर बैठे वो नोट्स पढ़ करके एग्जाम में सफलता अर्जित करनी। फिर उसके अंदर तीसरी चीज, हमने आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराई, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद आपका हमने डाउट क्लासेज ली, आपका डाउट सेशन हमने लिया। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डाउट हमारे इन डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या है तो पर्सनल आप अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, जहां पर इंडिविजुअल रूप में टीचर आपको मदद करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ टेस्ट, जिसके माध्यम से आप चीजों का मूल्यांकन कर लेते हैं। मतलब इनके आधार पर हम ये 100% श्योर हैं कि आपकी सफलता अर्जित होनी है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए यूजीसी फर्स्ट पेपर में 20 से 22 क्वेश्चन तक नॉर्मल कंडीशन में सब अपने आप अर्जित करते हैं, लेकिन अगर आपको सफलता लेनी है और अगर आपको जेआरएफ होना है दोस्त, तो तब तक आप किसी भी विषय में जेआरएफ नहीं हो सकते जब तक 35 से ज्यादा प्रश्न फर्स्ट पेपर में सही ना हो। मैं रोहित सर पिछले 10 सालों से यूजीसी नेट की पढ़ाई कराते कराते इतना अनुभव रखता हूं कि आपको कब क्या कैसे कितना करना है, उसमें आपको सफलता कैसी मिली है मिलनी है, हम ये तय करके आपको जेआरएफ कराएंगे। और जेआरएफ होने के बाद दोस्तों, आपका 25 लाख रुपए एक एक जेआरएफ का जो सपना होता है उतने मिलने लगेंगे। अब तय आपको करना है, वीडियो को आपको बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि क्या आप एडमिशन लेंगे। अगर आप एडमिशन लेंगे तो 25 लाख रुपए के हकदार आप बनेंगे। अगर आपको एडमिशन चाहिए हमारे यहाँ यूजीसी फर्स्ट पेपर में, हमारे यहाँ होम साइंस में, हमारे यहाँ एजुकेशन में, तो आपको करना क्या है दोस्तों, 9451216656 इस नंबर पर आपको WhatsApp करना है। जी हाँ, इस नंबर पर कॉल नहीं करना, WhatsApp करना। फिर भी अगर कोई भी जानकारी हमसे चाहते हैं तो 9335351003 इस नंबर पर कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं और अपनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय जय आरफ़।